डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 6 का मैथ बुक है। एक्चुअली मैं आप लोगों को पेपर पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैं पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोगों को वन बाय वन करके देता जाऊँगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाने का ये मेरा मकसद है कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है उसको समझने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे। इससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है इसमें आप उसको समझ लें, ताकि उसको आपको सॉल्व करने में ज़्यादा इजी हो जाए। तो वन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बुक एक्सहिबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल। एक स्कूल में बुक प्रदर्शनी, किताब को प्रदर्शन के लिए लगाया जाता है, तो वो 4 दिनों के लिए लगाया गया। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली। वहाँ पे जो काउंटर बनाया गया था तो उसमें कितने सारे लोग आ रहे हैं, तो सभी को टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता था। तो वहाँ पे फर्स्ट डे में इतना लोग गए, सेकेंड डे में इतना, थर्ड डे में और फाइनल डे मतलब फोर्थ डे जो है, 4 दिन का ही प्रदर्शनी था, तो लास्ट डे में 2751 पर्सन जो है इतने टिकट कटा वहाँ पर, तो इतने सारे लोग प्रदर्शनी के अंदर गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, कि चारों दिन में कितने सारे टिकट कटे, तो इसको बतलाना है। इसका मतलब है कि इसमें सभी को ऐड कर देना है, अगर सबको जोड़ देते हैं तो पता चल जाएगा कि उन 4 दिन में कितना टिकट कटा, कितने सारे लोग प्रदर्शनी को देखने गए। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं पेपर पर और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। ये क्लास 6 का मैथ है, और आप वीडियो खोजने के लिए आसानी से आप इस हैशटैग को यूज कर सकते हैं, इससे आपको ये तुरंत जो है क्लास 6 का जो भी मैथ है वो सारा एनसीईआरटी वाला मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे 1 नंबर में मैं क्वेश्चन पहले ही समझा चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने बताया कि इसको ऐड करना है। एक बुक प्रदर्शनी लगता है 4 दिन का, जिसमें पर डे जो है इतना इतना करके टिकट बिकता है वहाँ पर, तो टोटल डेज कितना टिकट बिका, तो इसको हम लोगों को करना है ऐड। तो ऐड करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहला दिन जो है टिकट बिकता है, इतना बिकता है, तो उसी तरह से इसका मतलब है कि ऊपर जो लिखा हुआ है वही चीज़ है, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, तो सेकेंड डे में इतना बिकता है, थर्ड डे में इतना, और फाइनल डे मतलब फोर्थ डे है इसमें इतना बिकता है, तो इसको हमको प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो गया, और 4 7 हो गया, ये 7, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 और इधर 10 हो गया, 9 1 10, और ये 5 5 10, तो 20 हो गया, तो 0 2 बच गया, साइड में लिख कर रख देते हैं 2, और यहाँ पे 8 और 7 15 15 और 2 16 17, तो 17 7 हो गया, अब 1 बच गया है हाथ में, और यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 और 1 7, तो इसका मतलब है कि द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, मतलब टिकट बिकने का टोटल संख्या जो है वो ये है 7 7 0 7, तो 7707, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980, मतलब 6980 रन इन टेस्ट मैचेस, तो वह टेस्ट मैचेस में इतना रन बना लेता है। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन, उसकी इच्छा है कि वह 10,000 रन पूरा कर ले। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, अब उसे और कितने रन बनाने की आवश्यकता है कि 10,000 रन उसका पूरा हो जाए, तो इसमें क्या करना है, 10,000 से इसको माइनस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जिस हिसाब से बताया गया है कि शेखर एक फेमस क्रिकेटर है और वो इतना रन बनाता है, इतना ही विशेज टू कंप्लीट रन्स, उसको बनाने की इच्छा है 10,000 रन्स, और वो बना चुका है, ही स्कोर्ड मतलब वो इतना रन बना चुका है एक टेस्ट मैच के दौरान जो है, इतना बना चुका है और इतना बनाना है, तो फिर कितने रन की उसको आवश्यकता है, नाउ ही नीड्स, उसे इतने रन की आवश्यकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है, इसको माइनस करते हैं, पहले 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो गया, 10 8 हो गया, तो 10 में से 8 2, फिर 9 में से 9 0, और फिर 9 में से 6 तो 3, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इतना उसको और रन बनाने की आवश्यकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3020। क्वेश्चन नंबर 3 में, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577500 इतना 100,000 10,000 लाख 577,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड 348,700 वोट्स
या एक इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीत गया, जो सक्सेसफुल रहा, उसको इतना सारा वोट मिला और उसके पास पहुंचने वाले जो कैंडिडेट था उसको इतना वोट्स मिला। बाय व्हाट मार्जिन डिड ही सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, वह कितने अधिक वोटों से उस इलेक्शन को वो जीत गया। तो इसमें करना क्या है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक इलेक्शन के दौरान जो है इस तरह का जीतने वाला जो कैंडिडेट था उसको इतना वोट मिला हुआ है और उसके नज़दीक पहुंचने वाला जो कैंडिडेट है उसको इतना वोट मिला हुआ है। तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितना वोट से, वो कितना ज़्यादा वोट से जीतता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, 0 में 0 तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 5 में से 7 तो जाने वाला नहीं है, ये हो गया 15, 15 में से 7 जाएगा तो ये हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 6 तो ये माइनस नहीं होगा, यहाँ से 16 हो गया, 16 में से 8 तो 8 हो गया और यहाँ पे हो गया 6, 6 में से 4 तो 2 और यहाँ पे 5 में से 3 2, मतलब इतने वोट से, इतने अधिक वोटों से वो जीता। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, 228800 वोट्स, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ, कृति एक बुक स्टोर है और वहाँ पे इतने रुपये की बुक जो है वो फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में इतने रुपये का किताब वो बेचता है, एंड बुक्स वर्थ मतलब वैल्यू, इतने वैल्यू का, इतने रुपये का, इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, और उसी महीने के दूसरे सप्ताह में वो इतने रुपये का बुक्स बेचता है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टूगेदर, दोनों सप्ताह मिला के वह कितने रुपये का बुक्स बेचता है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से सप्ताह में वह ज़्यादा बेचता है और कितना ज़्यादा बेचता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको प्लस करना है और फिर इसको माइनस भी करना है कि कितना ज़्यादा का बेचता है, सेकेंड वीक जो है उसमें ज़्यादा का बेचता है, तो इस तरह से माइनस करके पता चल जाए कि वो कितना ज़्यादा का बेचता है। जैसा कि यहाँ पे बतलाया जा रहा है बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, इतने रुपये का बुक्स बेचा गया, यहाँ पे रुपया हो जाएगा तो इतने रुपये का, और सेकेंड वीक में इतने रुपये का, तो फिर कितने रुपये का बुक बेचा गया, टोटल बुक सोल्ड तो कितने रुपये का है, इसको हम प्लस कर देते तो पता चल जाएगा, ऐड कर देते हैं, 819 हो गया 9 और 96 हो गया 16, 96 15 हो गया, 15 1 बच गया और यहाँ पे भी 15 हो गया तो 16 हो गया, यहाँ 1 बच गया तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ 8 और यहाँ पे हो गया 6, मतलब इतने रुपये का बुक्स बेचा गया। तो ये और ये तो किस सप्ताह में ज़्यादा बेचा गया, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये बड़ा है, ये सेकेंड वीक का है, ये फर्स्ट वीक का है, तो यहाँ बताया जा रहा है सेकेंड वीक सोल्ड मोर बुक्स देन फर्स्ट वीक, तो सेकेंड वीक में दूसरे वीक के मुकाबले, सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक के मुकाबले अधिक रुपये का बुक बेचा गया, तो एक्चुअली ये रुपये में है। यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, कितने अधिक रुपये का बेचा गया, तो यहाँ पे 81 हो गया तो 7 और यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 9 तो यहाँ फिर 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 चला गया तो 6 बचा हुआ है, तो फिर यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 8 तो 8 हो गया और यहाँ पे 9 5 4 फिर यहाँ पे 1 और यहाँ 3 2 में 1, तो इतने रुपये का बुक्स जो है वो सेकेंड वीक में ज़्यादा बेचा गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 इच ओनली वंस। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 6 2 7 4 3, तो इसको यूज करते हुए और इसको रिपीट नहीं करना है, इच ओनली वंस मतलब एक बार यूज करते हुए इसको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और फिर सबसे लिस्ट नंबर बनाना, सबसे छोटा नंबर बनाना है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसको माइनस कर देना आपस में, फिर पता करना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, तो ग्रेटेस्ट नंबर इसका क्या बन जाएगा, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसको पहले रखते हैं, जैसे 7 6 4 3 2, ये बड़ा बड़ा पहले रखा गया है और छोटा वाला लास्ट में, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जस्ट उसका उल्टा यूज किया जाता है, छोटा नंबर पहले रखा जाता है और बड़ा नंबर लास्ट में। इस तरह से ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया और ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब डिफरेंस इन दोनों के बीच में मांग रहा है तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, 12 में से 7 5 और यहाँ पे हो गया 2, फिर 12 हो गया, 12 में से 6 तो 6 और यहाँ पे हो गया 3 तो 13 हो जाएगा, 13 में 4 तो ये हो गया 9 और यहाँ पे 5 में से 3 तो 2 या 7 में से 2 तो 5, ये हो डिफरेंस ये हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे। एक स्क्रू बनाने का एक मशीन है और एक दिन में एवरेज मतलब औसतन एक दिन में 2825 स्क्रू बनाता है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। यहाँ पे 2006 दिया हुआ है, इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली जनवरी में चाहे कोई भी साल हो, जनवरी में 31 डेज होता है। तो एक दिन में अगर इतना स्क्रू बन रहा है तो जनवरी में मतलब 31 डेज में, तो 31 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। एक मशीन जो स्क्रू बनाता है एक दिन में, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन डे मतलब एक दिन में स्क्रूज बनाता है 2825, इतना बनाता है, तो जनवरी के महीने में वो कितना बनाएगा। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जनवरी जो है वो 31 डेज का होता ही है। तो यहाँ पे 2006 दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ स्टूडेंट लोग को डराने के लिए दिया हुआ है। ये नंबर देखेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे या इससे माइनस करेंगे, इससे प्लस करेंगे, तो यूँ ही दे दिया गया है। तो जनवरी जो है 31 डेज का होता है, तो 31 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 87575। तो ये जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज इन जनवरी, तो जनवरी में टोटल नंबर इतने स्क्रूज हो जाएगा 87575, इतने स्क्रूज हो जाएगा, यही है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, ए मर्चेंट हैड इतना रुपीस है विद हर, उसके पास इतना रुपीस है, सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। अब एक व्यापारी के पास इतना रुपया है 78592, अब वो जो है 40 रेडियो सेट खरीद रहा है, तो खरीद लेता है और एक रेडियो सेट का कीमत है 1200 रुपया 1200 रुपीस। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, मतलब 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेगा। तो उसके पास तो पहले से इतना रुपया है और 40 रेडियो और एक रेडियो का कीमत है 1200, तो 1200 और 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना पैसा निकल जाएगा जितना उसको रेडियो में खर्च होगा। तो उस वो जो पैसा निकलेगा उसको इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा बचेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में इमर्चेंट हैड, एक व्यापारी के पास इतना रुपया है और कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, जो कि वो 40 रेडियो खरीदना चाहती, इसमें एक लेडी है तो यहाँ पे हो जाएगा सी बाइज 40 रेडियो सेट्स, वो 40 रेडियो सेट खरीदती है और एक रेडियो सेट का कीमत है 1200 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 रेडियो सेट का कॉस्ट जो है वो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1248 और इस पे 30 लग जाएगा 123, इतना जो है इतना रुपीज़ 40 रेडियो सेट्स का कीमत हो जाएगा। ही हैड टोटल मनी, उसके पास कुल पैसा जो था इतना था, तो उसमें से इतना का जो है वो रेडियो सेट खरीद लेती है, स्पेंड इन रेडियो, रेडियो सेट में वो इतना रुपया स्पेंड कर देती, खर्च कर देती है। नाउ सी लेफ्ट, अब उसके पास कितना बचता है, तो इसके लिए इसको जो है इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 48 पे जीरो हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ जीरो होगा और यहाँ जीरो होगा, तो इसको माइनस कर देने से हमको पता चल जाएगा कि कितना अब उसके पास पैसा बचेगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 50 तो 5 हो गया और यहाँ पे 8, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, 74 तो यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब अभी भी उसके पास इतना रुपया बचा हुआ है। नाउ सी लेफ्ट, इतना रुपीज, नाउ सी लेफ्ट, इतना रुपीज अभी भी बचा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इतना बाय इतना, एक स्टूडेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करता है, गुना करता है इतना और इतना को, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, वो 65 से मल्टीप्लाई कर देता है जबकि उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, उसका आंसर सही आंसर से कितना बड़ा है। यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जो कि वो मल्टीप्लाई करके आंसर लाता है, और एक बार इसको से इसको मल्टीप्लाई करना है जो कि करेक्ट आंसर आना था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से जो आंसर आता है उसको इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा आंसर लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एक स्टूडेंट जो है इतना नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता है जबकि उसको
56 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था। एज फर्स्ट मल्टीप्लाइड, जो पहला मल्टीप्लाई करता है, जो गलत करता है, तो उसमें उसका क्या आंसर आता है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये नंबर मिल जाता है, और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके हमको ये मिल जाता है। उसके बाद जो है इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो ये बड़ा है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो ये हो गया डिफरेंस 5216 इक्वल टू, इन दोनों के बीच डिफरेंस हो जाएगा 65124, ये हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। यहाँ पे एक शर्ट को सीने में इतना कपड़ा लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, या फिर 2.15 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। तो इतना कपड़ा एक शर्ट में लगता है और यहाँ पे 40 मीटर कपड़ा है, तो उसमें से कितने शर्ट बन जाएंगे और कितने कपड़ा जो है, कितना कपड़ा बच जाएगा। तो सबसे पहले इसको से अगर डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा, और जो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा वही कपड़ा बच जाएगा। कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर, तो इससे जो है यहाँ पे जिस प्रकार से दिया हुआ है इसको करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको सॉल्व आसानी से करने के लिए यहाँ पे हिंट दिया गया है, कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में, दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद इसको डिवाइड कर देते हैं, आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट सीने में इतना कपड़ा का उपयोग होता है, तो 40 मीटर कपड़ा है और उसको, तो उसमें कितने शर्ट बनेंगे। क्लॉथ नीडेड टू वन शर्ट, एक शर्ट को सीने में इतने कपड़े की आवश्यकता लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में हम लोग पहले इसको चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये 15 जो है अलग से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 215 सेंटीमीटर एक शर्ट में इतना कपड़ा लगता है, सेंटीमीटर में आ गया, ये चीज़ मीटर में है और वही सेंटीमीटर में है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, अब पूरा जो कपड़ा है उसकी लंबाई जो है 40 मीटर कपड़ा है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद जो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 पे 00, 40 पे, तो ये 4000 हो गया। इतना सेंटीमीटर में चेंज हो गया, 40 मीटर क्लॉथ जो है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने से 4000 सेंटीमीटर हो गया। नंबर ऑफ शर्ट्स विल बी स्टिच्ड, तो इतना सारा शर्ट उस कपड़े से बन जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करने पर हमको मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 18 इसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इतना शर्ट सिल जाएगा और बच जाएगा उसमें से कपड़ा जो है 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ, ये इसका आंसर हो जाएगा, 18 शर्ट्स हो जाएगा, ये हो गया, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस इच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। दवा का एक पैकेट पैक किया गया है जिसका वजन 4 kg 500 ग्राम, मतलब 4.5 kg है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो 800 एक वैन में ये सारे जो है मेडिसिन बॉक्स उसमें रखे जाते हैं, तो उस वैन में जो है 800 किलोग्राम से अधिक कैपेसिटी लेने का नहीं है। तो इस तरह के कितने बॉक्सेस जो हैं उस वैन में आएंगे। मेडिसिन इज पैक्ड, एक मेडिसिन का बॉक्स बनाया जाता है और उसका वेट है, द वेट ऑफ वन बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, मतलब 450 kg है, 450 kg है एक बॉक्स का वेट। और कन्वर्ट इनटू ग्राम, इसको कम्प्लीटली केजी से ग्राम में चेंज कर देते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ और ये प्लस हो गया, तो 4500 ग्राम हो गया। अब कितना इसमें बॉक्स आ सकता है, जबकि वैन कैन बियर वेट, एक वैन जो है वो सिर्फ 800 kg वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। तो फिर वो कितना बॉक्स, मेडिसिन का कितना बॉक्स वो ले सकता है। तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको जो है 800 kg को ग्राम में चेंज कर देना है, इसको भी हम ग्राम में चेंज कर दिए हैं, और इसको डिवाइड कर देना है, इससे पता चल जाएगा कि वो उसमें कितना बॉक्सेस आ सकता है। इसको डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा
177, इसमें कुछ रिमाइंडर भी बच जा रहा है तो वो नहीं आएगा, एक्चुअली इतना ही बॉक्सेस आएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस इतना, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एट 75 मीटर। एक स्टूडेंट और उसके स्कूल और उसके घर की दूरी जो है इतना है। तो एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे, वह घर से स्कूल जाता है और स्कूल से फिर घर आता है, तो वह दो बार टर्न करता है, एक दिन स्कूल जाने में दो बार टर्न कर रहा है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, 6 दिन में वह कितनी दूरी तय करता है या निकालने के लिए कह रहा है। तो एक बार में इतना दूरी तय करता है और एक दिन में इसको डबल तय करता है, तो या तो हम इसको डबल करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम इसको डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों में इसका आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल, एक बच्चे के स्कूल से उसकी दूरी जो है, उसके घर का दूरी और स्कूल का दूरी जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.875 किलोमीटर, किलोमीटर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। सी वॉक्स 2 राउंड एवरी डे, तो वो स्कूल जाता है और फिर स्कूल से आता है, तो इतना वो डबल चलता है, एक बार जाता है एक बार आता है, तो डबल 2 राउंड। यहाँ पे सी वॉक्स 2 राउंड एवरी डे, अब हर दिन जो है दो बार वो उसमें दो बार राउंड करता है, तो इन 6 डेज, तो 6 दिन में 12 राउंड लगाता है। सी कवर टोटल डिस्टेंस, तो 12 राउंड लगाता है, तो कितना दूरी वो तय करती है, सी लड़की है, तो यहाँ पे 12 से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट वाला मल्टीप्लाई मैं आप लोगों को 5 क्लास में बतला चुका हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको देख लेंगे। पॉइंट वाला मल्टीप्लाई में हमको पॉइंट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10 हो गया, 1 बच गया, 7 2 14, 1 15, फिर 1 बच गया, 8 2 16, 1 17 हो गया, फिर 1 बच गया, और 2 1 2 और 1 3 ये हो गया, और 1 से करने पर वही आ जाता है, एक क्रॉस लगाएंगे और 5 7 8 1, इसको प्लस करेंगे, 10 0 हो गया 1, और ये 14, 1 15 हो गया, फिर 1 बच गया है, 8 और 3 11, और 1 12 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है 2। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ है, यहाँ पॉइंट है मतलब 3 गिन के 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब है कि 22.500 ये हो गया। इसका मतलब है कि ये इतना किलोमीटर, 22 किलोमीटर, यहाँ पे डायरेक्ट किलोमीटर लिख सकते हैं किलोमीटर, या फिर लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए वेजल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml, मतलब 4.5 लीटर दही रखा हुआ है। इन हाउ मैनी ग्लासेस इच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, तो 25 ml कैपेसिटी का कितनी सारी ग्लास कैन इट बी फिल्ड, तो इस कैपेसिटी का कितनी सारी ग्लास जो है इस दही से, इस क्वांटिटी की दही से भर जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको डिवाइड ही करने का है, इसको जो है 25 ml से इसको हम ml में चेंज करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ए वेजल हैज़, एक बर्तन में इतना क्वांटिटी ऑफ कर्ड मतलब दही की मात्रा, एक बर्तन में इतना है 4 लीटर 500 ml, 4 लीटर 500 ml का मतलब है 4.5 लीटर हो गया इन ml, तो ml में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए और 500 जो है इसमें प्लस कर दिए, तो ये इतना ml हो गया। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, तो एक ग्लास वो कितने ग्लास में आएगा, और ग्लास का कैपेसिटी है 25 ml, तो नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड, तो इतनी संख्या ग्लास की संख्या जो है भर जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे और पता चल जाएगा हम लोग को कि कितने ग्लास में वो दही आ सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 4500 से, इसको करते हैं डिवाइड, तो 50 हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे हम 1 बार ही लेते हैं, 25 हो गया, ये 0 और ये 4 2 हो गया, तो ये कम हो गया, इसमें से 1 0 ये डाल देते हैं, और 25 4 100 होता है, तो उसको डबल कर देंगे, 8 में 200 हो जाएगा, तो 8 बार में 200 आ गया, 200 कट गया कट गया कट गया, और ये 0 यहाँ आया और ये 0 चला जाएगा यहाँ, मतलब 180
इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 ग्लास में उतना दही आ जाएगा, इतना ग्लास भर जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे हो गया कंप्लीट और ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो आने वाला है, इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।